बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी हुआ। इस बार 10वीं का रिजल्ट 89.14% रहा, जबकि 12वीं का रिजल्ट 82.63% रहा। पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट के रहने वाली प्रियांशी रावत ने 10वीं की परीक्षा में प्रदेश में टॉप किया। वहीं रुद्रप्रयाग के शिवम मलेथा ने दूसरा स्थान हासिल किया। साथ ही पौड़ी गढ़वाल की आयुष ने 10वीं में तीसरा स्थान हासिल किया है। 12वीं की परीक्षा में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया ने पहले स्थान पर बाजी मारी। दूसरे स्थान पर जगह बनाई है रुद्रप्रयाग के अंशुल नेगी ने, जबकि ऋषिकेश के हरिश्चंद्र बिजलवाण और रुद्रप्रयाग के आयुष अवस्थी दोनों ही तीसरे स्थान पर रहे। तो 10वीं पिथौरागढ़ की प्रियांशी ने टॉप किया है। प्रियांशी को 100% अंक हासिल हुए, यानी कि प्रियांशी का एक भी नंबर नहीं कटा है। सभी सब्जेक्ट में पूरे पूरे नंबर हासिल किए प्रियांशी ने, और इसी के साथ उसने टॉप किया है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड में 12वीं की परीक्षा की बात की जाए तो उसके रिजल्ट भी जारी हो गए। देखिए, हाई स्कूल का इस वर्ष का जो परीक्षाफल है वो 89.14 यानी 89.14% और जो इंटरमीडिएट का परीक्षाफल है वो 82.63 82.63% परीक्षाफल रहा है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है। और हमारी जो आपने रिजल्ट में देखा है कि बालिकाएं बालकों से अपेक्षाकृत आगे हैं, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बालिकाओं की संख्या भी अधिक है, और उनका रिजल्ट और अच्छा होना जो है इस बात का संकेत है कि हमारी बालिकाएं मेहनत कर रही हैं। हल्द्वानी के हरगोविंद सुवयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा कंचन जोशी ने 12वीं क्लास में पूरे प्रदेश में टॉप किया है, जिसके बाद कंचन के स्कूल में खुशी का माहौल है। स्कूल के टीचर और घर वाले बेहद खुश हैं। कंचन ने कुल मिलाकर 97.6 अंक हासिल किए। कंचन ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और घर वालों को दिया है। कंचन भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती हैं और बाकायदा इसकी तैयारी भी शुरू कर चुकी हैं। साथ इस बोर्ड की टॉपर कंचन जोशी मौजूद हैं, जो कि हरगोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर की स्टूडेंट है हल्द्वानी में। ये बताइए कंचन, की आपको विश्वास हो रहा है कि आप टॉपर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो यही लगा कि मतलब पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ा नहीं था, पढ़ा था, लेकिन मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि स्टेट रैंक का जाएगी। और अपनी ये जो सफलता आपको मिली है, इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी ये बताइए। सर, मैं डेली बेसिस पे ऐसे 7-8 घंटे पढ़ने वाली बच्ची तो नहीं हूँ। सीधी सी बात यह है कि मैं नहीं पढ़ती इतना, लेकिन ऐसा है कि जो आज पढ़ा दिया है वो मैं घर जाके रिवाइज जरूर करूँगी, इतना है बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 4-5 घंटे जितने में रिवीजन हो गया और क्वेश्चन बाकी। और कभी ऐसी, वैसे तो आप टॉपर हैं, कभी डांट भी खाई कि होमवर्क नहीं किया है ऐसे? सर, मैंने मैं मतलब बहुत शरारती बच्ची रही हूँ हमेशा से। आप इनसे टीचर से पूछेंगे ना तो मैं डांट ही खाती रहती थी, मतलब मोस्टली मैंने डांट ज्यादा खाई है ऐसा। तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं और मेरा भाई है छोटा। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे वैसे तो मेरी पूरी फैमिली सर फार्मिंग में एंगेज है। हाँ। और मेरे पापा पार्ट टाइम वो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी जॉब भी करते हैं। सिक्योरिटी जॉब करते हैं, ओके। अब आप क्या बनना चाहती हैं? सर, मैंने अभी जेई का मतलब एग्जाम दिया है, एडवांस की तैयारी कर रही हूँ, एडवांस का पेपर होगा। और इंजीनियरिंग करना चाहती हैं? और किस स्टेट से इंजीनियरिंग करना चाहती हैं? सर, सीएससी। सीएससी। ये कंचन जोशी हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद थी, और जो कि उत्तराखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट की टॉपर हैं। और कंचन का टारगेट एक इंजीनियर बनने का है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि वो एक शरारती बच्ची रही हैं, और शरारती बच्ची होने के नाते स्कूल के टीचर्स की भी डांट खाई है, लेकिन आज टॉपर हैं तो बेहद खुश हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18, हल्द्वानी। अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया ने भी 12वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप किया है। पीयूष को 97.60 अंक हासिल हुए। विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के छात्र पीयूष खोलिया ने इसका क्रेडिट अपनी माँ और टीचर्स को दिया। पीयूष के पिता 10 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं, लिहाजा माता पिता दोनों की भूमिका में उनकी माँ ही थी। पीयूष अब रिसर्च में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और वैज्ञानिक बनकर बड़े आविष्कार करना चाहते हैं। Yeah.
अभी पढ़ाई करनी है, मतलब रिसर्च फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब चैलेंज तो नहीं था, माँ ने भी पूरा सपोर्ट किया था और जो टीचर्स थे उन्होंने भी पूरा जितना हो सकता था उतना सपोर्ट किया था। बाकी फिलहाल ऑनलाइन वगैरह भी बहुत यूज़फुल था पढ़ाई के लिए। तो बहुत खुशी हुई है, पढ़ाई बहुत की, सेल्फ स्टडी थी, मोटिवेशन था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत अच्छा किया। और आज इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, इससे ज़्यादा मेरे लिए प्राउड की बात और हो ही नहीं सकती। पिताजी भी नहीं थे सामने, पापा भी नहीं थे और मम्मी पापा दोनों के रोल में थी, तो आज भर गया है मन, लेकिन बहुत खुशी है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार पिथौरागढ़ ने परचम लहराया है। गंगोली हाट की छात्रा प्रियांशी रावत ने जहां हाई स्कूल में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया, वहीं 33 अन्य स्टूडेंट्स ने भी मेरिट में जगह बनाई है। पिथौरागढ़ भले ही दुर्गम इलाकों में शुमार हो, बावजूद इसके यहाँ के स्टूडेंट्स ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जेपीएसजी इंटर कॉलेज गंगोली हाट की स्टूडेंट प्रियांशी रावत ने हाई स्कूल में पहला मुकाम हासिल किया है। प्रियांशी ने 100% अंकों के साथ पूरे प्रदेश में अपना लोहा मनवाया है। प्रियांशी के पिता राजेश रावत पूर्व सैनिक होने के साथ ही फिलहाल बेरीनाग व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। प्रियांशी की माने तो राज्य में पहला स्थान हासिल करने में पूरे परिवार ने उनकी मदद की है। 10th की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने कोई ऐसे फंक्शन में जाना एकदम बंद कर दिया था। पूरा फोकस मेरा पढ़ाई पर ही था। घर में मम्मी पापा ने और चाची चाचू ने सभी ने सपोर्ट किया, कोई काम का प्रेशर नहीं होने देते थे। चाची ने मुझे बुक्स प्रोवाइड करी, गाइड वगैरह वगैरह जो भी पढ़ाई का था, मम्मी ने मुझे पढ़ाया भी। प्रियांशी के अलावा भी हाईस्कूल की मेरिट लिस्ट में जिले के 21 स्टूडेंट्स शामिल हैं, जबकि इंटरमीडिएट में जिले के 12 छात्र टॉप 25 में जगह बनाने में कामयाब रहे। इस लिहाज से देखें तो पिछले साल जहां जिले के सिर्फ 18 स्टूडेंट्स टॉप 25 में शामिल हो पाए थे, वहीं इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 33 जा पहुंचा है। पिछले साल से बेहतर परीक्षा पर प्राप्त हुआ है। हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप 25 में 21 स्टूडेंट रैंक प्राप्त किए हैं, जिसमें जेबीएससी गंगोली हाट की छात्रा ने राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स काफी दुर्गम इलाकों से हैं। इन इलाकों में ना तो आज भी जरूरत के मुताबिक टीचर हैं और ना ही अन्य सुविधाएं। बावजूद इसके इन टॉपर बच्चों की मेहनत और बुलंद हौसलों ने उन्हें पूरे राज्य में खास बना दिया है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो रुद्रप्रयाग के छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में जिले का परचम लहराया। हाई स्कूल की परीक्षा में शिवम मलेठा ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। शिवम ने इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को दिया है, जबकि इंटर की परीक्षा में रुद्रप्रयाग के अंशुल नेगी दूसरे नंबर पर रहे। जिले से 10वीं और 12वीं के 27 छात्र मेरिट लिस्ट में शामिल हुए, जिनमें 14 छात्राएं 13 छात्र शामिल हैं। उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट में उत्तरकाशी के आयुष अवस्थी ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। आयुष अवस्थी गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। 96% अंक हासिल किए आयुष ने और तीसरे स्थान पर रहे। आयुष प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। काफ़ी खुशी हो रही है और इसका श्रेय मेरे सारे अध्यापकों को और मेरे माता पिता और खासकर मेरी बहन। अच्छा, ये आपने हाई स्कूल में भी दूसरा स्थान, क्या सोचा है आपने आगे? आदि मुझे प्रशासनिक सेवा में। पौड़ी के आयुष शाह ने 10वीं क्लास में तीसरा स्थान हासिल किया। आयुष श्रीनगर के रहने वाले हैं और सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट गंगनाली के छात्र हैं। आयुष ने कहा कि पेपर के लिए कड़ी मेहनत उन्होंने की थी, सफलता का श्रेय उन्होंने अपने टीचर्स और परिजनों को दिया है। 500 अंक में से 495 अंक हासिल किए आयुष ने।
मैंने रोज पढ़कर मेहनत करी थी। मेरे घर वाले सभी परिजन बहुत खुश हैं और उनमें मेरे ऊपर बहुत गर्व है, मेरे अभिभावकों का और मेरे स्कूल के शिक्षकों का भी। उधर हरिद्वार में भी स्टूडेंट्स ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 5 छात्रों ने पूरे प्रदेश में टॉप 25 में जगह बनाई है, जबकि 10वीं के छात्र यूसुफ सिद्दीकी ने 97% अंक हासिल किए और पूरे हरिद्वार में टॉप पर रहे। रिजल्ट के ऐलान के बाद स्टूडेंट्स में खासा उत्साह दिखा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में सफल होने वाले बच्चों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि यह परीक्षा फल बच्चों की मेहनत और लगन का फल है। वहीं सीएम ने असफल होने वाले बच्चों को भी कहा कि वो निराश ना होए, जिंदगी बहुत लंबी है, लक्ष्य और भी आगे बड़े बड़े हैं। उत्तराखंड बाल आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने विकासनगर के सेंट मैरी स्कूल में औचक निरीक्षण किया, जिसमें छात्राओं के साथ ही छेड़छाड़ के गंभीर मामले सामने आए हैं। यहां स्कूल में कई अनियमितता पाई गई। 5 साल से शिकायत पेटी को नहीं खोला गया था। जैसे ही शिकायत पेटी खोली गई तो एक छात्रा ने टीचर पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस मामले में पुलिस को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। कंप्लेन निकाली तो 2019 की कंप्लेन निकली, 2020 की कंप्लेन निकली और उसमें से सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कंप्लेन निकली, जिसमें उस बच्ची ने प्लीड कर रखा है कि हमें इस अमुक टीचर से बचाया जाए। अभी मुझे पता करना होगा कि क्या वो टीचर आज भी इस विद्यालय में शिक्षा दे रही है। देहरादून के डोईवाला के रहने वाले मेजर प्रणय नेगी करगिल बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। खराब मौसम के चलते मेजर प्रणय नेगी का निधन हुआ और इसकी सूचना परिवार को दी गई है। डोईवाला के पास भानियावाला में उनके घर पर मातम पसरा है। प्रणय नेगी का पार्थिव शरीर कल उनके घर पहुंचेगा। शहीद प्रणय की उम्र 36 साल थी और 3 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। मेजर प्रणय नेगी का 1.5 साल का एक बेटा है। घर पर अब परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। यहां हुगली में सीएम धामी ने रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मुख्यमंत्री ने रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। पश्चिम बंगाल के हुगली लोकसभा क्षेत्र में आज लाकेट चटर्जी का आज इनका नामांकन था। नामांकन में आज हजूम है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब चिलचिलाती गर्मी में इतने टेम्परेचर में 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा है और इसमें जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार बंगाल में बहुत बड़ी जीत होने वाली। लाकेट चटर्जी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार दुगने वोटों से जीतेंगी। ऐतिहासिक यहां पर मार्जिन होगा, ऐतिहासिक जीत होगी। 35 से अधिक सीटें इस बार बंगाल की जीतेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा बंगाल एक तरफा जो है समर्थन करेगा। पौड़ी के लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के साथ जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ। पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह पयाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर पहले तो फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फिर उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पौड़ी के नीलकंठ इलाके में 10 नाली जमीन विधायक दिलीप रावत को बेच दी। हैरानी यह है कि साल 2000 में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और 24 साल बाद अब पुलिस इसका खुलासा कर रही है। पीड़ित के पोते की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटद्वार में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाते हुए एक जमीन को विक्रय कर दिया गया था। इस कंप्लेंट के आधार पर हमारे द्वारा IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
उत्तराखंड में जंगल की आग की बात करते हैं तो जंगल की आग विकराल रूप ले चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 68 जगहों पर आग की घटनाएं और देखने को मिली। अब तक 721 बार जंगल में आग लग चुकी है। वन विभाग आग पर काबू पाने में नाकाम दिख रहा है। अब तक 902 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र आग की जद में आ चुका है। आग की चपेट में आकर अब तक 4 लोग भी झुलस चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा की वन संपदा को नुकसान हुआ है। आगे बढ़ेंगे पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे पहाड़ टॉप 10 में। एम्बुलेंस की आड़ में ड्रग्स की तस्करी करने वाले शख्स को देहरादून पुलिस ने 70,000 के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। मृत व्यक्ति को जीवित दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाला आरोपी पौड़ी के नीलकंठ इलाके से गिरफ्तार किया गया। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के पास मुखेम रेंज के जंगलों में भीषण आग लग गई। वन विभाग आग बुझाने में जुटा। बागेश्वर में जंगल की आग पर वन विभाग सख्त। किसी के नाप खेत से जंगल तक आग पहुंची तो इस पर खेत मालिक के खिलाफ होगी कार्रवाई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हंगामा करने और लोगों से मारपीट करने वालों पर कार्रवाई के लिए होटल एसोसिएशन ने पुलिस से मांग की है। प्रशासकों के कार्यकाल में नगर निकायों की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। लक्सर नगर पालिका के रैन बसेरे में इन दिनों ताला लगा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर जोशी मठ में जीएमवीएन और प्राइवेट होटल की मई जून की बुकिंग अभी से फुल है, जिस पर व्यापारी खासे खुश हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर यमुना नदी से पंपिंग योजना की मांग की जा रही है। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के सौर खाल में पानी की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।